नमस्कार, आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्रूट मसाला नमक, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है जीरा, पुदीना, मेथी, अजवाइन, लौंग, काली मिर्च, काला नमक, नॉर्मल नमक और सेंधा नमक। आप देख सकते हैं मैंने ये इस मसाले लिए हैं सारे। गैस ऑन चढ़ा दी है मैंने कढ़ाई, गैस की फ्लेम जो है वो फुल है। यहाँ पे मैंने एक बॉल भर के जीरा लिया है, आप कोई भी कटोरी या कप का नाप ले सकते हैं। अच्छे से मैं इसको भून लेती हूँ। इस तरह से हमें चम्मच से मिक्स करते हुए इसको भूनना है, ताकि जो आपका जीरा है वो जले नहीं और अच्छे से भून जाए। जलाना नहीं है पर अच्छे से सेकना भी है। जीरा सिक चुका है, मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 10 लौंग, 20 काली मिर्च, 1.5 खाने वाली चम्मच अजवाइन, 1.5 खाने वाली चम्मच मेथी, 1 बॉल जो है वो पुदीना है, ये सूखा हुआ पुदीना है। अच्छे से इन सबको मिक्स कर लेती हूँ। गैस की फ्लेम ऑफ, इसको मैं निकाल लेती हूँ एक थाली में। आप इस तरह से नमक बनाइए, पर आप कोई भी स्टेप छोड़िए मत, नहीं तो जो आपका नमक है वो अच्छा नहीं बनेगा। आप पूरा वीडियो अच्छे से देखिए। मैंने 20 मिनट ठंडा करने के बाद इसको अच्छे से मिक्सर में पीसा है। अब मैं 20 मिनट इसको दोबारा थाली में ठंडा करूँगी। इस तरह से मैंने फैला दिया है और इसको ठंडा कर लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 खाने वाली चम्मच काला नमक, 2 खाने वाली चम्मच नॉर्मल नमक, 1.5 खाने वाली चम्मच सेंधा नमक। अच्छे से इन सबको मिक्स कर देती हूँ, फिर 20 मिनट के लिए इन सबको ठंडा कर लेती हूँ। और इस तरह से मैं इसको कांच के कोई भी बर्तन में डाल के रख देती हूँ। आप कोई भी फ्रूट खा रहे हैं आप उस पर इसको डाल के खा सकते हैं, जैसे पपीता है, तरबूज है, अनार है, बनाना है, प्याज, ककड़ी, खीरा, जो भी आप फ्रूट खा रहे हैं आप उस पर ये नमक डाल के खा सकते हैं। जिनको ये फ्रूट सूट नहीं होते हैं, पचते नहीं है, वो एक बार इस तरह से नमक बना के खा के फिर देखें। आप कोई भी फ्रूट या सलाद पे ये नमक डाल के खा सकते हैं। आप इसको रायते में, छाछ में, बिल के जूस में, नींबू पानी में, किसी में भी डाल के ले सकते हैं। ये नमक बहुत ही अच्छा होता है और आप इस तरह से बना के दीजिए। पर ध्यान आपको ये रखना है कि आपको गरम मसाले में नमक ऐड नहीं करना है, इसको खुला नहीं छोड़ना है, नहीं तो फिर ये नमक जो है वो गीला हो जाता है। आप एक बार में इतना सारा नमक ना बनाएं, आप 1 टेबल स्पून नमक ही बनाएं। उसी के हिसाब से आप पुदीना और नमक वगैरह ऐड करें। अगर आपके पास साबुत काला नमक है तो आप वो ही यूज करें। मेरे पास वो था नहीं, अभी लॉकडाउन चल रहा है, मेरे पास ये पैकेट वाला ही था, इसलिए मैंने ये यूज किया है। आप इस तरह से बनाए लीजिए, फिर बताएं कमेंट्स में कैसा लगा।